साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहला मौका है जी जब मैं आपके इस खूबसूरत स्टूडियो में आया हूँ। जी इससे पहले मैं औरतों और बेटियों के हवाले से नज़मों और गज़लों की तरफ चलूँ। एक मतला और एक शेर वुमेन एम्पावरमेंट के नाम जी मोहब्बत के हवाले से कि उठे हलचल कोई दिल में ये दिल बेकरार तो हो। अच्छा अच्छा हाँ। उठे हलचल कोई दिल में ये दिल बेकरार तो हो। हाँ। गजल में किस पे लिखूं हुस्न बेशुमार तो हो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और बतौर खास के राम सा छोड़ महल बनवासी बने हम भी। अच्छा, राम सा छोड़ महल बनवासी बने हम भी। किसी नजर में मेरा सीता सा इंतजार तो हो। तो इस हवाले से कि हमें बहुत सारी सीताओं की ज़रूरत है आज इस ज़माने को आगे ले जाने के लिए, तरक्की की राह पे ले जाने के लिए, दो छोटी छोटी नज़में। एक वो जब एक लड़की एक औरत दुनिया में आने से पहले मार दी जाती है, उसकी व्यथा और उससे होने वाले असरात या रिश्ते जो बिगड़ते हैं वो, और एक वो जब एक औरत आ जाती है उसके साथ क्या बीतती है। इन दोनों हवाले से एक नज़्म एक पूरा सफ़र मैं आपको ले चलता हूँ। स्वागत साहब। तो पहली कविता जिसका शीर्षक है बेटी। बेटी। ए लोगो तुम हकीकत में एक इंसान बनो। नींद से जागो उठो अपनी आँख मलो। पेट में माँ के किसी मासूम का कत्ल करोगे कब तक। अपने हाथों को भला खून से रंगोगे कब तक? आज संभले जो नहीं तो बहुत पछताओगे। फिर तुम परियों सी ये बेटी कहाँ पाओगे। न होगी बेटी तो बनाओगे दुल्हन तुम किसको। माँ किसको कहोगे, कहोगे बहन तुम किसको। फिर न रजिया न कोई लक्ष्मी रानी होगी। फिर न राधा किसी कृष्ण की दीवानी होगी। फिर न राधा किसी कृष्ण की दीवानी होगी। फिर न लैला न कोई शीरी न कहीं फरहाद मिलेगा। फिर मोहब्बत का न नया कहीं अंदाज मिलेगा। अच्छा है जी। फिर न उल्फत में कोई ताज कभी बन पाएगा। फिर न रिश्तों का कोई नाम कभी रख पाएगा। फिर तो कुदरत भी उस रोज मचल उठेगी। हद से तड़पेगी तो ये दुनिया भी दहल उठेगी। आहा, 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 आहा। चलो ये वादा करो ये गुनाह न कभी होने देंगे। बेटियों को भी है हक जीने का उन्हें जीने देंगे। बेटियों को भी है हक जीने का उन्हें जीने देंगे। उन्हें जीने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 मोहब्बत से सुने आप। एक और नज्म आपने कैफी आजमी साहब की एक बहुत मशहूर नज्म है औरत। उसी तर्ज की उसी ज़मीन पर नज्म है लेकिन उसमें मैंने अपने जज्बात अपने ख्यालात अपने अल्फाज डालने की कोशिश की है। सुनिएगा कि तू कोई ख्वाब नहीं एक हकीकत भी है। तू कोई ख्वाब नहीं एक हकीकत भी है। तू फकत जिस्म नहीं एक ज़रूरत भी है। तू है औरत मगर इंसान तो औरत भी है। इस जहां में लिए तेरे इज्जत भी है। अपनी इज्जत के लिए अपनों से तुझे लड़ना होगा। अब तो उठ चल मेरी जहां तुझे चलना होगा। डर से सहमी अपने आंचल में रहेगी कब तक। यूं ही हंसकर तू दुखों को सहेगी कब तक। डर से सहमी अपने आंचल में रहेगी कब तक। यूं ही हंसकर तू दुखों को सहेगी कब तक। दुनिया की कही बात सुनेगी कब तक। बेड़ियां पांव में रस्मों की रखेगी कब तक? तोड़ कर सारी रस्म तुझे बढ़ना होगा। अब तो उठ चल मेरी जान तुझे चलना होगा। और इस नज्म का आखिरी हिस्सा कि जिसके लिए मैंने ये नज्म कही कि तू है औरत तो तेरी जात से दूरी क्यों है। तू है औरत तो तेरी जात से दूरी क्यों है। फिर बिना तेरे हर एक तस्वीर अधूरी क्यों है। हर कदम साथ तेरा इतना ज़रूरी क्यों है। साथ हो तेरा तो ये ज़िंदगी पूरी क्यों है। ज़िंदगी का तू अहम हिस्सा है ये समझना होगा। अब तो उठ चल मेरी जान तुझे चलना होगा। अब तो उठ चल मेरी जान तुझे चलना होगा।